अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ सफिया होम्स में, जो कि एलडीए से अप्रूव्ड एक प्रोजेक्ट है, जहाँ पे वाबड़ा की बिजली, गैस, पानी, हर चीज़, स्कूल, कमर्शियल, सामने मेरे मस्जिद है, हर ब्लॉक के अंदर पार्क है, कमर्शियल एरिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं, और ये 5 साल की एक साथ पे आपको घर मिलते हैं। ये वाहद प्रोजेक्ट है, एलडीए से अप्रूव्ड है, और यहाँ पे 5 साल के प्लान पे आपको यानी डाउन पेमेंट दें और फौरी घर का कब्जा ले लें, और इंस्टॉलमेंट प्लान होगा 5 साल का। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक चलेंगे, कंपनी के मुताबिक चला लें। अगर आप अपनी मर्जी का शेड्यूल बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी का शेड्यूल बना लें। आपको 6 माह का टाइम दिया जाएगा, 6 माह के अंदर आपने 50% अमाउंट देनी है। 50% अमाउंट देने के बाद आपको घर का पोजेशन मिल जाएगा। ये वीडियोज और ये इंफॉर्मेशन आपने हर बंदे से सुनी होंगी, और हर बंदे ने आपको घर जौन सा वो विजिट करवाया होगा। आज जो चीज मैं आपको विजिट करवा रहा हूँ, मेरी बेसिकली कोशिश होती है कि मैं जो रियल, क्योंकि मैंने अपना खुद घर बनाया है, मुझे पता है कि घर किस तरह बनता है, कितनी उसमें मेहनत होती है, और घर लेने के लिए जो पैसा इकट्ठा करना होता है ना, सबसे मुश्किल होता है वो। तो इस घर का मैं जो मटेरियल वो यूज कर रहे हैं ना, हम इंशाल्लाह ताला वो मटेरियल आपको डिटेल के साथ बताएंगे। सबसे पहले ये देखे कारपेटेड रोड है, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड थे। अब जो ये खुदाई हुई पड़ी है, ये गैस के पाइपलाइन डालने के लिए हुई पड़ी है। टोटल यहाँ पे ये अल्हम्दुलिल्लाह घर बने हुए हैं नाजरीन। यहाँ पे इसका डोर लगेगा, और डोर नॉर्मली आप देखते हैं कि ये 9 इंच का पर्दा किया, और उसी में जो उनसे वो जो डोर्स के होते हैं राड्स, उनको वहां पे फिट कर देते हैं। यहाँ पे ये यानी 19x19 का यहाँ पे जगह देखो, दरमियान में सरिया डाल के इसको मजबूत करके फिर आपको यहाँ पे ये प्रॉपर डोर यहाँ पे मिलेगा। इसकी जो टोटल दीवारें हैं यानी यू शेप में, और बल्कि मुरब्बा शेप में जितनी भी इसकी दीवारें हैं अंदर और बाहर की फ्रंट की, टोटल 9 इंच की दीवारें हैं। नीचे घसों की भर्ती हुई है, उसके बाद रोड़ी डाली गई है, रोड़ी डालने के बाद फिर कच्चा किया गया, उसके बाद टाइल लगेगी। यहां से आके आप चेक कर लें, प्रॉपर 9 इंच की दीवार है ये। स्टेज आप चेक कर लें, स्टेज में जो मटेरियल यूज हुआ है वो आप आके चेक कर लें। पहले ये नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल लाया और इसको फिट कर दिया, यानी मार्बल को, पहले इसको प्रॉपर प्लस्तर किया जाएगा, इसकी शेप बनाई जाएगी, उसके बाद इसके ऊपर जो सा वो फिटिंग होगा। यहाँ पे आ जाता है इसका ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम का एरिया है, ये आप चेक कर लें, पूरा जो सा वो 9 इंच का पर्दा है। यहाँ पे अभी प्लस्तर नहीं हुआ, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। अव्वल ईंट है, और ये कसूर की खुड़िया है, वहां की डिस्ट्रिक्ट कसूर की बड़ी मशहूर ईंट है, वो वाली ईंट यहाँ पे यूज की जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं ये पार्टीशन कर रहा है, हालांकि ये 4 इंच का चल जाता है पर्दा, लेकिन यहाँ पे भी ये प्रॉपर 9 इंच की यहाँ पे फिटिंग की गई है। ये गैस की पाइपलाइन यहाँ पे प्रॉपर पूरे घर में यानी आगे किचन तक जाएगी। ऊपर लैंटर आप चेक कर सकते हैं, RCC लैंटर है, पूरा RCC। नॉर्मली ना आपने घरों में देखा होगा जहां से जहां पे ये बुनियाद रखी गई है, यहां से एक दरार चलती है इस तरह से सीधी। ये कंपनी, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरी एक टीम है यानी टीम वर्क है, लाहौर के बल्कि पंजाब के बड़े बड़े शहरों में अल्हम्दुलिल्लाह इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब यहाँ पे जब ये डोर लगाना है तो उसके ऊपर आप ये देख सकते हैं तकरीबन 10 से 11 इंच का यहाँ पे बीम डाला गया है। अब यहाँ पे ये जो जाली लगाई गई है ना, यहाँ पे जाली, क्योंकि ये जोड़ बनता है यहाँ पे, ये ईंट का और ये बीम का यहाँ पे जोड़ बनता है। ये जाली नॉर्मली अगर आप किसी ठेकेदार को या किसी भी मिस्त्री को जानते हैं तो वो भी आपको इसको बता सकता है। यहाँ पे ये बेसिकली जाली लगाते हैं, इसके ऊपर प्लस्तर करेंगे ताकि ये जोड़, ये जो बना है जोड़ इसका बीम का और ईंट का, ये दरमियान में फटे ना, कोई दरार ना आए। इसके अलावा भी कंपनी जो सी है आपको इस घर की गारंटी देती है कि अगर इसमें 5-10 सालों के अंदर इसमें कोई मसला मसाइल बनता है तो कंपनी आपको उसको करवा के देने की जिम्मेदार होगी। इसके बाद ये टीवी लॉन्च का एरिया आ जाता है, यहाँ पे ये पानी की प्रॉपर यहाँ पे वायरिंग आपको मिल रही है, यहाँ पे आपकी जो सी है वो DP लगेगी, और ये आप वायर जो सी है वो चेक कर सकते हैं। ये न्यू गेज सॉरी इंग्लिश की जो सी है वो वायर यहाँ पे यूज की गई है प्रॉपर। उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम वही, जहां पे बीम है ये बीम डाला गया है, जहां पे यानी हमने डोर लगाना है वहां पे बीम है। इसके साथ ही यहाँ पे आ जाता है इसका मास्टर बेडरूम, और इसकी भी जो दीवार है यहाँ पे ये पूरा 9 इंच का पर्दा है। सबसे ज्यादा जो कॉस्ट लेता है वो लेती है आपकी ईंटें, और ईंटों में कंपनी ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। यहाँ पे इसका नाजीन आ जाता है ये इसका अटैच बाथ में प्रॉपर यहाँ पे फिटिंग होगी कंबोर्ड की, और यहाँ पे ठंडे गर्म पानी के जो कनेक्शन है वो यहाँ पे दिए गए। तो नाजरीन मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप इंस्टॉलमेंट का घर देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट प्लेस है, और यहाँ पे इंशाल्लाह एक तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, जो कमिटमेंट की जाएगी वो कमिटमेंट आपको साथ पूरी की जाएगी। ये प्रॉपर एक किचन की फिटिंग होगी, और यहाँ पे भी इसी तरह है कि ये पूरी यानी अंडरग्राउंड लाइटिंग का, और पीछे जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन,
ये वेंटी का एरिया और वेंटिलेशन का एरिया आपको मिल जाएगा, और साथ ही यहाँ पे आप ये वेंटिलेशन का एरिया बन जाएगा। पाइप्स और सीवरेज के मैं आपको दिखाता चलूं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 6 इंच का जो सा वो सीवरेज का पाइप दिया गया है मेन, ठीक है। तो इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो नाजरीन ये 55,60,000 रुपए का, 55,60,000 रुपए नाजरीन इस घर की टोटल अमाउंट है, और इसमें आपने 50% अमाउंट देनी है। 50% अमाउंट देने के बाद मुझे नहीं पता दूसरे जो आप यूट्यूबर या जिसकी भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, कंपनी की तरफ से ये क्लियर कट है कि आपने 50% अमाउंट देनी है, और वो देनी है 6 माह के अंदर। आप फौरी देंगे फौरी कब्जा मिल जाएगा, और अगर आप कहते हैं कि हम 6 माह के अंदर क्लियर कर लेंगे तो हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आप 25% अमाउंट दें, हम कोशिश कर सकते हैं कि आपको पोजेशन ले दें, लेकिन जो बाकी 25% है वो आपने 6 माह के अंदर क्लियर करनी है, ये लाजमी है, वरना पोजेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। और बकाया जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा पूरा 5 साल का, 5 साल में आपने वो रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आपने क्लियर करनी है। ये कंपनी की तरफ से आपको ऑफर है कि पेमेंट शेड्यूल आप अपनी मर्जी का बना सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे आप उसका पेमेंट शेड्यूल बना सकते हैं और उसको दे सकते हैं। तो दिए गए हमारे नंबर पर फिलफोर रब्ता करें, और यहाँ पे अपना जो घर है वो इंशाल्लाह ताला बुक करवाएं। थैंक यू।